पिछले वीडियो में हमने कस्टम सीएसएस लगा के इस फॉर्म को डिज़ाइन किया था और हमने हेडफोन सेक्शन को भी इसका लेआउट तैयार किया था। अब इस जो हेडफोन सेक्शन हमने बनाया था इसको डिज़ाइन करना है, यानी कि तरीके से सेट करना है इसको। तो आ जाते हैं हम हमारे एडिटर के अंदर। एडिटर के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास ये सेलेक्ट बॉक्स दिए हुए हैं इनकी साइज सेट करते हैं। पहले वाले सेलेक्ट बॉक्स है हेडफोन टाइप, तो इसको नेम देते हैं हेडफोन टाइप, आईडी देते हैं इसे हेडफोन टाइप। सीएसएस में जाते हैं और इसमें लिखते हैं हेडफोन अंडरस्कोर टाइप के अंदर जो सेलेक्ट बॉक्स है उसके बॉर्डर हो जाए सिल्वर, ठीक है। और जो इसकी आउटलाइन है नॉन हो जाए, हाइट हो जाए इसकी 40 पिक्सल और इसकी विड्थ है, विड्थ हमारे को कितनी करनी है 50 पिक्सल करके देखते हैं, 50% करके देखते हैं इसे। कंट्रोल आर, ठीक है 50% में इसकी इतनी विड्थ हो गई है। तो जिस जो इसको डिज़ाइन किया है वो सभी पे अप्लाई कर देते हैं, तो कोमा लगा के हम उनकी आईडी पास कर देंगे तो उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसका नाम है साउंड फीचर, आईडी है साउंड फीचर। कंट्रोल आर, पहले नाम और आईडी सेट कर लेते हैं। इसका नेम होगा वॉल्यूम कंट्रोल, आईडी होगी वॉल्यूम कंट्रोल की। वेट आईडी वेट, इसमें देते हैं इसको नाम वारंटी, वारंटी। और इसके बाद कोमा लगा के वो आईडी पास कर देंगे, उस पर ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद साउंड फीचर, साउंड फीचर क्या हुआ, ओहो साउंड फीचर आईडी कहाँ पे दे दी मैंने, S6 के अंदर, ओहो S6 के अंदर दे दिया इसको। इसको यहाँ से करते कंट्रोल एक्स और यहाँ पे वी कर देते हैं, ठीक है। साउंड फीचर भी सेट हो गया। इसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉल्यूम कंट्रोल के बाद में है वेट, वेट के बाद में है वारंटी। कंट्रोल आर, ओह वेट के अंदर भी S6 को दिया हुआ है, S6 पे से हटाते हैं पहले तो। वॉल्यूम कंट्रोल पे तो है, वेट पे नहीं है। कंट्रोल आर करते हैं, अब सभी पर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है इन पे आ गया। जो ये वेट है ये सेलेक्ट बॉक्स में नहीं आएगा, ये आएगा इनपुट बॉक्स। वेट किधर है, वेट वाला ऑप्शन ये रहा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसमें आएगा इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा वेट
आईडी होगा, डेट, प्लेस होल्डर होगा, एग्जाम्पल केजी जीएन, ठीक है। इसके अंदर बॉक्स हेड हो और पैडिंग देनी है। विड्थ यहाँ से सेट हो ही गई। इसके बाद एक वेट वाला बना लेते हैं, WEIGHT वेट, बॉक्स हेड ऑन ऑन, पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं 5 पिक्सल, पैडिंग राइट कर देते हैं 5 पिक्सल, कंट्रोल आर, और इसकी विड्थ को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ कितनी थी इसकी, 50, तो 45%, ठीक है, ये इसकी विड्थ आ गई। अब जो हमने ये सेलेक्ट बॉक्स बनाया, इसके नीचे बॉर्डर बॉटम आई हुई है टेबल के अंदर, तो रिमूव करते हैं इसको। स्टाइल बॉर्डर बॉटम नॉन, ठीक है, ये रिमूव हो गई। और सेकंड और थर्ड इनको भी कर देते हैं कॉपी, अगले टीडी के अंदर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। उसके बाद ना इस वाले टीडी के अंदर कंट्रोल आर, ठीक है, ये हो गया, काम कंप्लीट हो गया इसका। और इसके बाद जो S6 है इनका कलर चेंज कर देते हैं, S6 का कलर होगा सिल्वर कलर, सिल्वर, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं सभी का। कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी, इसे S6 के अंदर पेस्ट किया, वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर, वेट के अंदर और वारंटी के अंदर, ठीक है, कंट्रोल आर। अब हमारा ये काम हो गया, हेडफोन वाला तो कंप्लीट हो गया। बस ये सेलेक्ट बॉक्स में इनकी वैल्यू देंगे, वो जब देंगे जब हम इसको अपलोड करवाएंगे। अभी तो डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हमारे पास पावर बैंक। जब पावर बैंक पे क्लिक हो तो पावर बैंक वाला सेक्शन ओपन हो, नीचे आ जाते हैं हेडफोन सेक्शन के बाद पावर बैंक सेक्शन स्टार्ट, जो हमारा DIV है, ID, पावर बैंक, हेडफोन किधर है इसके अंदर, ये रहा, कोमा लगाता हूँ, पावर बैंक, इसमें डिस्प्ले ऑन किया हुआ है, इसको कर देता हूँ, ठीक है, नॉन ही रहने देते हैं, कंट्रोल आर। और अब JS के अंदर आ जाते हैं, एसेसरीज टाइप इक्वल 1 हो तो हेडफोन शो हो, एल्स इफ, अगर ACC टाइप इक्वल इक्वल 2 हो तो
पावर बैंक फेड इन हो, कंट्रोल आर, पावर बैंक पर क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक किया, ये इस पावर बैंक वाले का वो बॉर्डर आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है। अब मैं जब हेडफोन सेलेक्ट करूँगा तो पावर बैंक वाला सेक्शन भी रहेगा और हेडफोन वाला भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला आ रहा है ये पावर बैंक का आ रहा है। तो हमारे को क्या करना है, जब मैंने पावर बैंक सेलेक्ट किया तो जो बाकी सेक्शन है वो रिमूव हो जाए, ओनली पावर बैंक रहे। अगर मैं हेडफोन सेलेक्ट करता हूँ तो हेडफोन वाला ओपन रहे और बाकी क्लोज रहे। इसके अंदर क्या करना है, ऐड करते जाते हैं। अगर पावर बैंक वाला फेड इन है तो वो हेडफोन, अगर फेड इन है तो जो पावर बैंक है वो फेड आउट हो जाए। और पावर बैंक अगर फेड इन है तो हेडफोन फेड आउट हो जाए। यानी कि जो भी सेक्शन ओपन करेंगे तो एक ही सेक्शन होगा, दो सेक्शन एक साथ नहीं आएंगे। जैसे मैं अभी हेडफोन ओपन करता हूँ, ठीक है, हेडफोन ओपन हो गया, बाकी क्लोज है। अब मैं पावर बैंक ओपन करूँगा तो ये हेडफोन वाला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हेडफोन क्लोज हो गया, पावर बैंक आ गया। अगर पावर बैंक सेलेक्ट करूँगा दोबारा तो हेडफोन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसके अंदर कंटेंट क्या डालना है, फॉर्म कौन कौन से लगाने, वो फॉर्म के इनपुट फील्ड कौन कौन से डालने हैं। पावर बैंक वाले सेक्शन में हमें कंपनी नेम, बैटरी टाइप, AMH, आउटपुट पोर्ट, वारंटी, वेट, कलर और केबल, ये वाले इनपुट फील्ड बनाने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर TR के अंदर TD के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले S6 के अंदर लिखता हूँ मैं कंपनी नेम, इनपुट टाइप होगा इसके अंदर ID है, कंपनी नेम, नेक्स्ट TD बनाते हैं। उस TD के अंदर आएगा S6। सेकेंड ऑप्शन है बैटरी टाइप, ये होगा सेलेक्ट बॉक्स लगाते हैं। इसके अंदर कौन सी टाइप की बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, ऑप्शन बैटरी टाइप ऑप्शन देते हैं इसके अंदर, इसको दे देते हैं अभी तो 1 एंड इसको कॉपी किया, ठीक है। ये हो गया बैटरी टाइप। बैटरी टाइप के बाद हम पूछेंगे इससे AMH कितने हैं, जो हमारी पावर बैंक है उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो कितने AMH की है। ये होगा इनपुट टाइप, होगा टेक्स्ट टाइप का बैटरी। प्लेस होल्डर और इसके बाद में क्या पूछ रहा है ये, इसके बाद में आउटपुट पोर्ट कितने हैं। TD TD के अंदर S6 में आउटपुट पोर्ट, ये होगा सेलेक्ट टाइप का।
ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन तो भी 12 ही दे देते हैं, जब इसमें अपलोड कराएंगे तब इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। आउटपुट पोर्ट हो गया, इसके बाद में वारंटी है, वारंटी को हम कैसे देंगे, सेलेक्ट में दे देते हैं वारंटी को, सेलेक्ट 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। वारंटी, और वारंटी के अंदर ऑप्शन दे देते हैं 1, 2, 1, 2, वारंटी हो गया। इसके बाद आता है वेट, वेट कितना है जो इस प्रोडक्ट का, वेट ये होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, वेट आईडी है वेट, और वेट के बाद में प्लेस होल्डर है वेट, वेट के बाद में क्या चीज है, केबल, केबल का ऑप्शन देंगे इसके अंदर, नया टीआर बनाते हैं, इसके अंदर टीडी, टीडी के अंदर है 6, केबल, केबल के अंदर CABELE, केबल सेलेक्ट, यस और नो, कंट्रोल आर करता हूँ मैं। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ पावर बैंक, पावर बैंक के अंदर क्या क्या आ गया, कंपनी नेम आ गया, बैटरी टाइप आ गया, बैटरी AMH आ गया, आउटपुट पोर्ट आ गया, वारंटी आ गई, वेट आ गया और केबल आ गया, ठीक है। ये हमने इसका लेआउट बना लिया पावर बैंक का, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन करेंगे, अभी तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिज़ाइन का काम करते हैं, ये वाला तो हमने पूरा डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। पावर बैंक के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन और हैं, इनको भी कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको डिज़ाइन करेंगे पावर बैंक वाले सेक्शन को।